आपको बिजली के खुले तारों में स्पार्किंग होने से लगी आग। विद्युत विभाग की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। वहीं गुवारा नगर के वार्ड नंबर 5 का यह पूरा मामला है। छतरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली के खुले तारों में स्पार्किंग होने से आग लग गई। बता रहे हैं आपको, बिजली के खुले तारों में आग लग गई। विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। गुवारा नगर के वार्ड नंबर 5 का ये पूरा मामला है। बिजली विभाग की लापरवाही से खंभे में लगी आग, बिजली के खुले तारों में स्पार्किंग होने से लगी आग। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दूसरे दिन दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर नगर रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मान किया। गृह मंत्री ने दतिया नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 2 ट्रैक्टर दतिया नगर पालिका को प्रदान किए। दोनों ट्रैक्टरों में सफाई हेतु सुपर लगाया गया। इसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वार्ड क्रमांक 29 में बनने वाले अम्बेडकर पार्क के सुंदरीकरण का भूमि पूजन किया, जिसकी लागत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये 2 ट्रैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो ट्रैक्टर जो है, स्वीपिंग मशीन जो हमारी आई है, अभी 2 महीने पहले ही हमने जो है स्वीपिंग मशीन खरीदी थी, 2 स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। तो उसके लिए हमको 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए था, तो वो ट्रैक्टर माननीय मंत्री द्वारा हमको आज उद्घाटन करके दिया गया है। ये मुहिम चलाता है, चाहे वो भोपाल मेले के माध्यम से समाज से जोड़ने का काम हो या कोई ना कोई आयोजन इस तरह के सांस्कृतिक साहित्यिक और अखबार तो भूल है, उसी कड़ी और उसी परंपरा को निभाते हुए सावला जी ने, त्यागी ने तो होकर का सम्मान किया, मतलब समाज की सबसे आखिरी कड़ी है, सबसे अंत का व्यक्ति अंत्योदय। वो भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है, अंत्योदय अंत के व्यक्ति का उदय। दोनों का विचार एक है, दोनों का टीम एक है, और इसलिए तो हम दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले के कोतमा अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में होने वाली अघोषित कटौती और गांव में डिम लाइट होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कोतमा विधायक सुनील सराफ कोतमा विद्युत विभाग के सामने धरने पर बैठ गए और आंदोलन की चेतावनी देते हुए ग्रामीण इलाकों में विद्युत संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही है। देखिए, समस्याएं तो अनगिनत है। मैं आज धरने पर बैठा हूं बिजली से संबंधित समस्या के लिए। गर्मी का मौसम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, शासन सरकार ये कह रही कि आप घर से ना निकलें। 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जून का महीना है। ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेस लाइट दी जा रही है। सिंगल फेस लाइट में ना तो पंखा चल रहा है उनका, ना ठीक से टीवी चल रही है, न पानी के लिए पंप चल रहा है, न आटा की चक्की चल रही है, कूलर वूलर की तो बात ही छोड़ो। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे करेंगे देश के नाम संबोधन। पीएमओ ने संबोधन की जानकारी दी है। पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ ने संबोधन की जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन शाम 5 बजे होगा। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। और इसी खबर को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित दुबे जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का आज शाम 5 बजे संबोधन होगा देश के नाम, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में जबकि कोरोना की तीसरी लहर आने का संकेत है, तमाम लोग जो है कोरोना से मारे गए हैं, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का संबोधन काफी मायने में अहम है, क्योंकि खासतौर पे देश की अर्थव्यवस्था से लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, महंगाई को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री को सीधे निशाने पे ले रहा है। यहाँ तक कि वो सर्वे है वो भी खासतौर पे कि इस तरह से निगेटिव में जो GDP पहुंची है वो भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का संबोधन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जो शाम को संबोधन होगा काफी अहम होगा, और हो सकता है इसमें कुछ अनाउंसमेंट इस तरह के नजर आए जो कि अर्थव्यवस्था या देश से जुड़े हुए हों। जी, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, वो दूसरी तरफ कोरोना महामारी का भी विकराल रूप देखने को मिला, ऐसे में जो जनता है उनकी आर्थिक तंगी तो है ही, वो आर्थिक तंगी से तो गुजर रहे हैं, ऐसे में जनता भी इस संबोधन का इंतजार कर रही है कि शायद महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री कुछ कह सके। जी बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं, और खासतौर पे जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि अभी जो है जो बच्चों की वैक्सीन है उसके लिए ट्रायल भी शुरू हो चुका है, ऐसे में वैक्सीन जो है पूरे देश के लिए, क्योंकि सर्वे में बताया गया कि किस तरह से दिसंबर तक देश की आबादी के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकेगा, तो वैक्सीन को लेके भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लगातार जो निगेटिविटी बनी हुई है, खासतौर पर राज्य सरकार तमाम तरह की केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है, इसे लेके भी जनता के सामने यहाँ पे बातें रख सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज की तमाम लोगों में वैक्सीन को लेके भी तमाम तरह के भ्रम है, खासतौर पर लोग जो है अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराना चाहते, कई जगहों पे देखा गया कि जहाँ पे डॉक्टर्स किस तरह जब टीम जाती तो गांव के लोग जो है वो गांव छोड़ के चले जाते हैं या डॉक्टर्स को वहां से खदेड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, तो कई सारी चीजें हैं जिन्हें लेके आज का संबोधन प्रधानमंत्री को होगा, क्या कुछ निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस संबोधन बिल्कुल आने वाला समय बताएगा। आपको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, शाम 5 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, देश के नाम संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि महंगाई को लेकर शायद कोई राहत की खबर मिल सके। खबर सीधी सी है, जहां जिला प्रशासन की वैक्सीनेशन जागरूकता की मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है, वहीं जिले के दादर गांव में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराने वाला गांव बन गया है। आपको बता दें कि अभी तक इस गांव में 500 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसको देखते हुए जनपद CEO ने ग्राम पंचायत को 5100 रुपये का पुरस्कार देते हुए ग्राम पंचायत का मनोबल बढ़ाया है। वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो 45+ का ये मामला अभी कोविड जो अभी संक्रमण का दौर चल रहा था उसके बाद में या उस समय जो कर रहे थे वैक्सीनेशन, तो 45+ के लोगों में हिचक थी और इसलिए उसका प्रोग्रेस लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रही थी, और एक पूरे माहौल था उसके विपरीत लोगों में 45+ में, जबकि 18+ के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। उसी का परिणाम धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उसमें बदलाव आ रहा है और तेजी से लोगों में मन स्थिति बदल रही है। उसी का परिणाम आपने देखा कल दादर में 500 से के आसपास लोगों ने वैक्सीन। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार 1 जून से लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया,
इस दिशा में निर्देशानुसार और समय अनुसार किराना, राशन, जनरल स्टोर, फर्नीचर, हार्डवेयर की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और सराफा बर्तन, कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिकल्स की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे, जिसका केन्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है। संपूर्ण लॉकडाउन अनलॉक हो गया है। छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को सचेत किया गया है और जो दुकानें खोली जा रही हैं उनमें सोशल डिस्टेंस का पालन और गोला बना करके लोगों को खड़ा करने के लिए कहा गया है। लेकिन आप हमारे पीछे को तस्वीरें देख रहे होंगे कि लोग कोरोना की महामारी इतनी बड़ी हो जाने के बावजूद भी लोग सचेत नहीं हैं और लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है। तो वहीं बसों में आप देख रहे होंगे कि बसों में किस तरह से सवारियां भरकर भी आ रही हैं। छतरपुर में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा किराना, राशन, जनरल स्टोर, फर्नीचर, हार्डवेयर की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक, जो कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी, और सराफा, बर्तन और कपड़ा, मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक दुकानें प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक। तो लगभग 50% लोग ही इसमें उपस्थित रह पाएंगे। तो वहीं लॉज, होटल और रेस्टोरेंट खुलने का समय निर्धारित भी नहीं है और 24 घंटे ही ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ में हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अब मरीजों की संख्या कम हो गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या भी अब शून्य पर जिले में जा रही है। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह के मार्गदर्शन में छतरपुर बस स्टैंड पर निशुल्क रसोई का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि बस स्टैंड नंबर 2 के प्रतीक्षालय में संचालित हो रही रसोई में समस्त व्यापारियों, डॉक्टर व समाज सेवियों की अहम भूमिका रही। आज जनता के लिए रसोई का यहां शुभारंभ किया गया है और इसका निःशुल्क संचालन व्यापारी साथियों के द्वारा किया जा रहा है। शहर के सभी गणमान्य और व्यापारियों ने एक नई पहल शुरू की है और इसमें जो भी गरीब लोग हैं उनको सुबह खिचड़ी प्रसाद और अन्य भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज है ये ऐसे लोगों के लिए जिनके पास इस कोरोना काल में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं बची हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसके माध्यम से मानव सेवा का एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। शिवपुरी पोहरी के मचौकला में रविवार को टोकन बांटने के बाद भी जब चने की खरीदी नहीं हुई तो किसानों ने शिवपुरी शिवपुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक चले जाम को खुलवाने के लिए पोहरी तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर और नायब तहसीलदार आर के जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाते हुए जाम को खुलवाया। और अब बात करेंगे शिवराज की दौड़। खबर भोपाल से है जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी में सियासी हलचल। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की गुप्त बैठक हुई है। 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर नए चेहरे की खोज है। वहीं दमोह उपचुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की गुप्त बैठक हुई है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले और इंदौर से गणेश तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल चलेंगे स्वाति के पास। स्वाति, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है और नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के साथ उन्होंने बैठक की है, बैठक गुप्त मानी जा रही है, तो इस बैठक में क्या मंत्रणा हो सकती है आगामी 2023 के चुनाव को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि दमोह चुनाव जो हुआ था उसकी हार के बाद से ही भाजपा में संगठन स्तर पर फेरबदल करने के जो है निर्णय लिए गए थे, उसमें चर्चाएं भी शुरू हुई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही बीडी शर्मा और साथ में जो है
नरोत्तम मिश्रा जी की जो बैठक हुई थी, एक गुप्त चर्चा हुई थी, उसके बाद ही वहां से बीडी शर्मा जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि वहां पर जाने के बाद में वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन अधिकारी भी मौजूद थे, साथ ही बीडी शर्मा भी थे, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे। इन लोगों ने जो है सूत्रों अनुसार ये पता चला है कि इस दौरान संगठन में सिंधिया के ग्रुप के लोगों को नई जिम्मेदारियां देने के बारे में और उन्हें शामिल करने के बारे में कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं। साथ ही आपको एक बता दूं कि एक ये भी माना जा रहा है कि सिंधिया को अभी तक जो है केंद्रीय मंत्री पद का जो है पद अभी तक मिला नहीं है, उसी के चलते कांग्रेस के लोग भी उन पर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, वहीं साथ ही उनके ऊपर कोई ना कोई निशाने साधते रहते हैं। ऐसे में अब उनके लिए केंद्रीय मंत्री पद देना जरूरी हो गया है। ऐसे में ये दोनों अटकलें लगाई जा रही है कि 9 जून को जो भोपाल दौरा है सिंधिया जी का, तो वो शायद इसी दो कारणों की वजह से हो सकता है। जी, जिस तरह से आपने दौरे की बात की, तो 8 जून और 9 जून को कमलनाथ का, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका दौरा होना है, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से कमलनाथ का इतना सक्रिय हो जाना कई सारे सियासी हलचलों को पैदा कर रहा है, तो इस सवाल को हम जानेंगे गणेश से। जी गणेश, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार अगर हम 2020 की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद 19 की बात करें, तो कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद से कई सियासी हलचल जो है तेज थी। पहली चीज तो मुख्यमंत्री को लेकर थी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, तमाम अड़चने थी, तमाम नाम चले थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के हों या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के हों या नरोत्तम मिश्रा को हों, लगातार ऐसी हलचलें चलती रही है। लेकिन जब से दमोह चुनाव, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो बंगाल चुनाव हारने के बाद और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार होने के बाद भी जहां आगे दावे किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो दमोह चुनाव है वो भाजपा उस पर जीत हासिल करेगी, लेकिन इसके बाद भी भाजपा हालांकि वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर भी जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से ही भाजपा का दामन थामे थे, इसके बावजूद भी लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में लगातार कयास लगाया जा रहा था और भाजपा के जो वरिष्ठ संगठन है और आरएसएस की तरफ से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि इस हार का जो जिम्मा लेने को कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद लगातार कवायदें तेज थी। और एक बार फिर अब अगर वर्तमान में कोरोना के बाद हम बात करें, तो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो फेरबदल की है वो फेरबदल की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन अगर फेरबदल की तैयारियों की बात करें, तो फिर से एक बार जो चर्चाओं में अगर पूर्व की पहले की बात करें, 2019 की बात करें, तब जो नाम चल रहे, तो वो एक बार फिर वही नाम, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय गुट के समर्थक हो या फिर नरोत्तम मिश्रा गुट के समर्थक हो या फिर बीडी शर्मा गुट के समर्थक हो, लगातार ऐसे नाम चालू हो गए, जिस तरह नाम इनके जो औपचारिक रूप से गुप्त रूप से जो है मीटिंगें चालू हो गई, उन मीटिंगों से लगातार जो है उनके समर्थक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक कयास लगाए जाने लगे कि मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आ सकता है। लेकिन हालांकि अगर आज का ही अगर आधिकारिक बयान बात करूं, मैं आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय का अभी हाल ही में एक बयान आया है के न्यूज के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा के न्यूज के दर्शकों को कि कैलाश विजयवर्गीय का साफ तौर पर कहना है कि जो ये मीटिंगें हुई है ये एक भाजपा की औपचारिक मीटिंगें थी, जो कि लगातार जो मीटिंगें होती रहती हैं उसी को लेकर, रूपरेखा को लेकर और तमाम कोरोना को लेकर ये बैठकें हो रही थी। जी गणेश, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बैठक है वो एक तरह से गुप्त बैठक है और लोग पार्टियों के बीच में ये सियासी हलचल भी उठी, उथल पुथल भी मची हुई है कि इस बैठक में इस कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच ऐसी क्या बात हुई, फिलहाल इस पर बात करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और बात करेंगे शिवराज की दौर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर, 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुबह के लिए
खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं शिवराज के दौर। ऐसे में कोरोना का जो कहर है वो कम हो गया है, और कोरोना का कहर कम होते ही सियासी कहर शुरू हो चुका है। चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों में ही सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और आगामी 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं और इंदौर से हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश, कोरोना का कहर थम चुका है, कम हो चुका है, ऐसे में जो सियासी हलचल है वो शुरू हो चुका है। बात अगर कमलनाथ की करें तो कमलनाथ अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं जहां उन्हें 2018 में हार मिली थी, जहां उन्हें कमजोर साबित किया गया था। तो ऐसे में क्या कमलनाथ इस बार अपनी पैठ बनाने में मजबूती साबित कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर कोरोना काल के पूर्व की बात करें और कोरोना काल में भी बात करें, लगातार जब कमलनाथ ने ऐसे कई मीडिया के सम्मुख ऐसे बयान दिए हैं जहां पर उन्होंने अपने बयानों से यह साबित किया है कि जो पूर्व में उनके साथ हुआ वो भाजपा में भी वैसा ही कलह हो सकता है। लेकिन ये हालांकि ये एक राजनीतिक बयान है, लगातार दोनों तरह से सियासी जो बयान होते हैं वो आते जाते रहते हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या कमलनाथ की तरफ से हो। लेकिन जब से कमलनाथ की सरकार गई है तब से ही कमलनाथ ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं और उनके समर्थक ज्यादा एक्टिव आए हैं। लेकिन जैसे ही दमोह का चुनाव भाजपा हारी है और बंगाल का चुनाव के परिणाम एकदम विपरीत आए हैं, अचानक से कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आई है। और उसके बाद से ही जैसे ही दमोह में कांग्रेस विधायक जो विधायक कैंडिडेट थे वो जीत हासिल करते हैं, उसके बाद से कांग्रेस का जो एक जीत का जश्न था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लगातार उनकी जो औपचारिक बैठकें होती हैं वो लगातार तेज हो जाती हैं। लगातार उनकी तरफ से जो सियासी हमले होते हैं भाजपा की तरफ वो लगातार तेज हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भाजपा की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर सियासी पासे की बात करें तो सियासी पासे फेंकने में भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी आगामी 2023 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लगातार चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो या फिर वीडी शर्मा हो, लगातार अपने अपने समर्थकों के माध्यम से और अपने अपने राजनीतिक पकड़ के माध्यम से जिस कदर दिल्ली में इनकी गुप्त मीटिंगें हो रही हैं, लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक प्रयास जरूर लगाया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद सभी अपने अपने पासे जो सियासी पासे उसको कहीं ना कहीं फेंकने में जरूर ये लोग कामयाब साबित हो रहे हैं। भले इनका जो मकसद है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने का मकसद हो या फिर भाजपा को जो 2023 का जो चुनाव है उस पर एक औपचारिक मीटिंग को लेकर हो या उस पर रणनीतियों को लेकर हो या बिल्कुल यही कहना है कि आगामी जो 2023 वाला चुनाव होने वाला है तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। स्वाति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कमलनाथ युवाओं को लेकर भी एक्टिव हैं, तो क्या कमलनाथ इस बार बीजेपी की दौड़ में दौड़ नहीं लगा रहे? जी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने तरफ से सारी कोशिशें करना चालू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में एक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि कल की बात है, जीतू पटवारी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए। उन्होंने कहा है कि उनके ही बीजेपी के कई ऐसे नेता है जो शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है, इसीलिए ये सारी मीटिंग जो हो रही है ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि जनता में भी इस वक्त जो कोरोना के चलते जिस तरीके का सब कुछ पाया गया, जितनी कुछ मौतें हुई उसके चलते जनता में जिस तरीके का आक्रोश है, साथ ही उनके जो नेता है बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है उनमें भी इसी तरीके का पूरी तरीके से आक्रोश पाया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आज जब दिल्ली में है शिवराज सिंह चौहान, तब ये इस तरीके की मीटिंगें होना। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, यहाँ पर यहाँ के स्पीकर भी मौजूद है और स्पीकर के साथ भी यहाँ पर पूरी तरीके से गृह मंत्री जो है मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एक औपचारिक मीटिंग है, लेकिन कई कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त जो है सत्ता में कायापलट जरूर होगा। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल भी मचा हुआ है और दोनों ही पार्टियां सक्रिय भी नजर आ रही हैं, स्वाति आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गणेश आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको भोपाल से खबर,
कि किस तरह से भोपाल में शिवराज की दौड़ बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ही आगामी 2000 चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। नमस्कार।